मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है सुपर प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ। मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कोरोना का जोर टूटा है और तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का सिलसिला भी जारी है। आज दूसरे मरहले में छठी, सातवीं और आठवीं के बच्चे स्कूल पहुंचे हैं और खासे पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं कि करीबन 6 माह के बाद स्कूल जाने का उनको फिर से मौका मिल गया है। लेकिन आपको याद है ना कि कोरोना अभी भी मौजूद है, इसलिए मास्क पहनना, हाथ धोना और सफाई का खास ख्याल रखना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। जबकि दूसरी जानब इंटरमीडिएट का रिजल्ट गुज़िश्ता रोज़ अनाउंस कर दिया गया है और कोरोना ने वैसे तलबा और तालिबात की मौजें लगवा दी हैं। तारीख में पहली बार हैरानकुन तौर पर कामयाबी का तनासुब 99% से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। नासिर, आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एफए के टॉपर्स के साथ भी और जानेंगे उनकी कामयाबी का राज, और हर रोज की तरह और भी बहुत सारे मौजूदात पर प्रोग्राम में बातचीत होगी। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं अलहमरा पंजाब फोक रंग का इनेकाद किया गया है। आर्ट्स काउंसिल में हीर वारिस शाह के रंग खूब बिखरे और नामवर हीर गायक खादिम हुसैन वारसी ने परफॉर्म भी किया है। डिटेल्स मरवा अंसर चौधरी रिपोर्ट में दिखाएंगे। सूफी शायर वारिस शाह के 222वें उर्स की मुनासिबत से अलहमरा आर्ट काउंसिल में तकरीब सजी। नामवर गायक खादिम हुसैन वारसी ने सूफियाना कलाम हीर वारिस शाह गाकर सुनने वालों पर सहर तारी कर दिया। तेरी छत्र छावे बाबल रुख मांगू। खादिम हुसैन वारिसी ने बताया कि वो अरसा 40 साल से कलाम वारिस शाह गा रहे हैं। वारिस शाह दा कलाम पढ़दिया मेनू तकरीबन 40 साल हो गए ने। हजरत बाबा जी रहमत अली अशीर वारसी रहमतुल्लाह जिन्हें सारी जिंदगी हजूर वारिस शाह की खिदमत की, उन्हां दी मैं शागिर्दी इख्तियार करके इस कलाम नूं तकरीबन 40 साल तो पढ़ रहा। मुख्तसर सी तकरीब में SOPs का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा गया। कैमरामैन उमैर राणा के साथ मरवान सर चौधरी, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की वीरानों फिर से बहाल होने लगी हैं और जिंदगी लौटने लगी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ शहरियों के मसाल की बात करें तो महंगाई का जिन हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू होता जा रहा है। साल में दूसरी बार आटा और गंदम मजीद महंगी करने की तैयारियां की जा रही है, जबकि गंदम की फी मंथ कीमत में 225 रुपये इजाफे का इम्कान है। सरकारी कीमत 1475 से 1700 रुपये फी मंथ होने का खदशा भी है। मजीद क्या डिटेल्स है इमरान मलिक रिपोर्ट में बताएंगे। महंगाई का एक और सुनामी आने को तैयार। हुकूमत रियायती नरखों पर सरकारी गंदम और आटा आवाम तक ना पहुंचा सकी, मगर 2.5 माह बाद गंदम की कीमत के लिए सीनियर वजीर खुराक की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। हुकूमती कमेटी एक हफ्ते में गंदम की नई कीमत से मुतल्लिक सिफारिशात देगी। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक गंदम की मौजूदा फी मन कीमत 1475 रुपये है। वजीर आला ने अप्रैल में गंदम की फी मन कीमत में 100 रुपये का इजाफा किया। जराए के मुताबिक गंदम की कीमत में दूसरी बार इजाफे की तैयारियां जारी हैं। गंदम की फी मन कीमत में 225 रुपये इजाफे का इम्कान है। सरकारी कीमत 1475 से बढ़कर 1700 रुपये फी मन होने का खदशा है। मरकजी चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन मियां आसिम रजा ने कहा कि वजीर आला की तरफ से दरामदी गंदम की इजाजत के लिए सवाबदीदी इख्तियारात ताखीर से इस्तेमाल किए गए। 1.5 माह कबल इजाजत मिल जाती तो आज मार्केट में गंदम का खिंचाव कम होता। गंदम की कीमत बढ़ने से आटे का रेट तो बढ़ेगा, मगर किल्लत का मामला खत्म हो जाएगा। कभी रियायती गंदम और आटे की नायाबी तो कभी कीमतों का बढ़ना हुकूमती दावों के पोल खोलने के मुतरादिफ है, जिसका खुमियाजा सिर्फ अवाम को भुगतना पड़ रहा है। कैमरा टीम के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। ऐसी रिपोर्ट आपने देखी है। इसी हवाले पे मजीद बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक ही हमारे साथ मौजूद है। इमरान मलिक, बताइएगा, साल में दूसरी बार गंदम और आटा महंगा होने जा रहा है, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? देखें सिद्रा, हुकूमत की तरफ से वादे किए गए, दावे किए गए कि जी गंदम और आटा जो है सब्सिडाइज बेचा जाएगा और एहसास कफालत के जरिए जो है वो 4 करोड़ खानदानों को जो है वो आटा जो है वो सस्ता दिया जाएगा, मगर ये दावे जो है वो सिर्फ और सिर्फ हवा होते हुए नजर आए हैं।
सब्सिडाइज गंदम तो दी गई है, मगर लोगों को अभी तक आटे की नयाबी का मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अप्रैल में वज़ीरे आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से 100 रुपए जो है गंदम की कीमत में किसान को देने के लिए किए गए थे कि 1375 रुपए है, तो 100 रुपए किसान को इजाफी दिया जाए और गंदम की कीमत 1400 इमदादी कीमत 1475 रुपए कर दी गई। मगर इस वाले से 2 रोज कबल वज़ीरे आला पंजाब की तरफ से आला सतह कमेटी का इजलास हुआ और उसमें बाकायदा तौर पर जो है वो गंदम को दरामद करने की भी इजाजत दी गई और साथ ही साथ कीमतों पर तय्यन के हवाले से कमेटी बना दी गई। अब कमेटी जारी बात है जो गंदम है वो इनके पास मौजूद नहीं है और इसके हवाले से दरामद करने की इजाजत तो ठीक है। इमरान सवाल ले लीजिए, मुझे ये बताइए कि गंदम मौजूद नहीं है जबकि हमने देखा कि जब गंदम का कटिंग सीजन था तब महकमा खुराक की जानिब से वजीर ज़राअत की जानिब से मुसलसल बयानात आ रहे थे कि जी इस बार हमने हदफ पूरा किया है बल्कि ज्यादा हदफ मुकर्रर किया है और हमने खूब जो है वो गंदम प्रिक्योर कर ली है, उन सब मामलात का क्या बना, वो सब कहाँ गई अच्छाई की बातें? देखें बुआई का जब सीजन होता है तो उसमें जो प्रोक्योरमेंट होती है वो जून के महीने तक चलती है और ये बुआई के सीजन में 39.5 लाख टन गंदम जो है वो प्रक्योर की गई है पंजाब में और उसमें से अब जारी बात सरकारी गोदामों के को ताले लग जाते हैं और उसके बाद एक सीजन शुरू हो जाता है क्योंकि जब बुवाई का सीजन होता है तब गंदम जो है सरकारी गंदम। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमें बता रहे थे जी किस तरह से गवर्नमेंट की जानिब से एक बार फिर से गंदम की कीमत बढ़ाने की सोची जा रही है। गंदम की कीमत बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आटा भी महंगा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, एक बार फिर से बात करेंगे। शहर में आज तालीमी सरगर्मियां मजीद बहाल हो गई हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर बद्दी हमारे साथ मौजूद है, उनसे डिटेल्स जानेंगे। अब्दुल कादिर, कौन से तालीमी इदारे के बाहर आप मौजूद है ये बताइए और साथ में ये भी बताइए कि SOPs पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ। मैं इस वक्त अलामा इकबाल टाउन के एक स्कूल में मौजूद हूँ और क्लासरूम में मौजूद हूँ। क्लास में जो है वो तालीमी सरगर्मियां जारी हैं। 194 रोज के बाद जो है वो आज दूसरे मरहले में जो हुकूमत की जानिब से तालीमी सरगर्मियों का जो जिन्हें बहाल किया गया उसमें 6ठी जमात 7वीं और 8वीं जमात के तलबा और तालबात को भी जो है वो स्कूल आने की इजाज़त मिली और यही वजह है कि आज एक बार फिर जो है वो तमाम स्कूलों में रौनक जो है वो दोबारा बहाल होती नज़र आ रही है। और अगर SOPs की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से जो है वो बावर करवा दिया गया है कि तमाम स्कूल जो हैं वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद के पाबंद हैं। कोई बच्चा जो है वो बग़ैर मास्क के स्कूल में दाखिल नहीं हो सकता है और यही वजह है कि स्कूल इंतज़ामिया जो है वो इस हवाले से खासी जो है वो मुतहरक नज़र आती है क्योंकि स्कूल के असातज़ा और इंतज़ामिया जो है वो मेन दाखिली रास्ते पर जब स्कूल के औकात कार का आगाज़ होता है तो मौजूद होते हैं और बच्चों के मास्क को जो है वो यकीनी बनाते हैं और साथ ही साथ आ रहा आने वाला बच्चा जो है उसके हैंड सैनिटाइज़र के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर इंतजाम किए गए हैं क्योंकि जो है कोरोना SOPs जो हैं वो सख्ती से अमल दरामद करना है। तो यही वजह है कि थर्मल गन से जो है बच्चों के टम्परेचर जो है वो भी चेक किया जाता है कि किसी बच्चे को जो है वो बुखार ना हो। अगर किसी बच्चे को बुखार या खांसी नज़ला या कोई और अलामत है तो उसे दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती। आप क्लासरूम में मौजूद हैं और मैं चाहूंगी कि आप कुछ बच्चियों से भी बात करें कि वो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगी कि इस बार इतनी छुट्टियां हो गई हैं कि बच्चे बेचारे घरों में तंग आ गए थे। बिल्कुल, एक हमारे साथ एक तालबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बेटा आप इस तरफ आइएगा और बताइएगा कि 6 माह बाद जो है वो आप स्कूल में आई हैं, खासा जो है वो आपने छुट्टियां गुजार ली हैं, तो तालीमी निसाब को किस तरह जो है वो मुकम्मल करेंगे और कैसा फील कर रही हैं क्योंकि आज 6 माह बाद स्कूल की जो है दोबारा रौनक बहाल हुई है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हम सब बहुत खुश हैं, फिर से एक दफ़ा फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, टीचर से मिल रहे हैं, बहुत हमें खुशी हो रही है। टीचर से हमें बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, बहुत इंजॉयमेंट हो रही है स्कूल में। अब सब स्ट्रिक्टनेस भी है लेकिन इंजॉयमेंट भी है। तो बेटा आपने जो है वो खाना किसी के साथ शेयर नहीं करना, पानी की बॉटल किसी के साथ शेयर नहीं करनी, इन SOPs का आपको इल्म है? यस है, हम अपने टीचर्स निता हुए, हम अपना लंच लाते हैं, अपनी वाटर बॉटल, अपना सैनिटाइजर, हर लेक्चर के बाद बार हैंड वॉश करने जाते हैं, सब कुछ अलग ही करते हैं। हमारे बुक्स शेयर करने की भी इजाज़त नहीं है हमें। और आज बिल्कुल सितरा, आपने ये तालबा की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि 6 माह बाद जो है ये आई हैं, SOPs का भी इन्हें जो है वो इदराक है कि SOPs पर अमल दरामद करना है,
पानी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, साथ ही साथ खाना किसी के साथ शेयर नहीं करना, और बुक्स जो हैं, जो तालीमी कुतब हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सूरत हाल आप हमें बता रहे थे, आपने तो मुझे वापस अपने क्लासरूम में भिजवा दिया है। जो मेरा स्कूल में क्लासरूम होता था, मैं इतने रगड़ रगड़ के अपने कपड़े प्रेस करती होती थी, शूज हर रोज चमका रही होती थी कि मेरे शूज सबसे ज्यादा व्हाइट लगने चाहिए, और सारा दिन इसी टेंशन में गुजर जाता था कि अगले दिन जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म भी नीट होना चाहिए, शूज भी चमकने चाहिए, और आपको बिल्कुल साफ सुथरा बच्चा लगना चाहिए जैसा कि ये सारे बच्चे लग रहे थे। नाज़रीन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन गुज़िश्ता रोज इंटरमीडिएट पार्ट टू के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी मैट्रिक के नतायज की तरह ग्रेडिंग सिस्टम की बुनियाद पर किया गया है, और प्रमोशन पॉलिसी के तहत फर्स्ट ईयर के तमाम तलबा को पास कर दिया गया है, जबकि प्रैक्टिकल में 50% नंबर सबको दिए गए हैं। रवां बरस लाहौर बोर्ड में 191,280 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवाए थे, जिनमें से 164,906 तलबा के नतायज जारी हुए हैं। 163,959 तलबा कामयाब करार पाए हैं। नाज़रीन पहली बार कामयाबी का तनासुब 99.43% रहा है, जबकि हमेशा की तरह इस साल भी तालीमी कहकशां पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सितारे जगमगा उठे हैं। इंटर के इम्तिहानात में दूसरी और तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमाया है, और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने कामयाबी की रवायत फिर से दोहरा दिया। मजमूई तौर पर 18 पोजीशंस हासिल करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इब्राहिम फैज ने 1,078 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि मुनीबा मुनव्वर ने 1,077 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन अपने नाम की है, जबकि इंटर के इम्तिहानात में किप्स कॉलेज के तालिब इल्म अब्दुल रहमान खान ने 1,081 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। आज बहुत खास मेहमान टॉपर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हमने आपकी मुलाकात करवानी है कि कितनी मेहनत की और किस तरह से अब जब उनको उनकी मेहनत का फल मिला है तो किस तरह से अपने जज्बात का इजहार करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी इब्राहिम फैज साहब हैं, इंटर में इन्होंने सेकेंड पोजिशन हासिल की है। इब्राहिम बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले हमारी तरफ से, और हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इनके साथ तशरीफ फरमाए जी। इब्राहिम की वालिदा को भी हमने दावत दी है, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार होता है जब भी बच्चे कामयाब होते हैं। डॉक्टर जुनैरा फैज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्या हाल है आपको, प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ मुनीबा मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं जी, थर्ड पोजीशन होल्डर हैं, और आपको मुनीबा प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आपको थर्ड पोजीशन। थैंक यू वेरी मच। इनके साथ तशरीफ फरमाए जी मुनव्वर हुसैन साहब हैं, मुनीबा के वालिद हैं आप। सर आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम। हमें इब्राहिम ये बताइए कि ये पता कैसे चला, किसने बताया, किसको कॉल आई, रिजल्ट देखा किसने? सबसे पहले मैं और मामा जब रिजल्ट निकालने बैठे थे तो मैंने और मामा ने क्लिक करने का इकट्ठा सोचा था कि हाँ। लेकिन मामा ने पहले क्लिक कर दिया तो अचानक रिजल्ट आया तो मामा ने सबसे पहले देखा था। अच्छा। उनको हमें उस मामा के एक्सप्रेशंस क्या थे फिर? बिल्कुल एकदम से बिल्कुल ही वो बेफर्ड हो गई थी कि अचानक बिबिल्डर हो गई थी कि इस चीज को कैसे मैं डील करूँ अचानक, और काफी देर तक असेस करने में टाइम लगा था। अच्छा इतने नंबर्स हैं, अच्छा ये तो पोजीशन है, इस तरह कैसे अब डील करना है, वो बस अचानक ही बंदाना खो जाता है उस एटमॉस्फेयर में, बस वो नाकाबले बयान। अच्छा डॉक्टर सुनैरा साहब आपने देखा सबसे पहले बेटे का रिजल्ट, और कुछ तो इन्होंने बता दिया, बाकी आप बताइए हमें। यानी ये वो फीलिंग्स हैं कि मेरा ख्याल अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये वो खुशी के लम्हात हैं कि अल्लाह ताला ने ये खुशी नसीब की है, अल्लाह की उसकी खास रहमत। मुनीबा आप हमें बताइए कि रिजल्ट किसने देखा, कैसे पता चला? रिजल्ट तो बाय द वे मैं खुद ही देख रही थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त साइड बहुत बिजी जा रही थी एंड आई वाज टोटली बिल्कुल कुछ हो रहा था। जी जी बिल्कुल, स्टमक में बटरफ्लाईज आ रही थी, वो ऐसे ऐसे हो रहा होता है जब आपका रिजल्ट आना होता है। जी आई वाज सो कंफ्यूज्ड। उस वक्त पापा घर पर नहीं थे लेकिन मेरे दादा बू थे, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव एंड रोल मॉडल है, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और उस वक्त दादा बू मेरे पास थे, और अचानक जब रिजल्ट आया तो मैंने उन्हें बताया, वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए, मैं भी उस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी। कि उस वक्त इतना टाइम लगा के वेबसाइट बहुत बिजी रही और आपको इंतजार करना पड़ा एटलीस्ट 10 मिनट्स, और 10 मिनट कैसे गुजरे, 10 घंटे होंगे मेरा ख्याल है। वो बहुत ही मुश्किल थे कि गुजारना पता ही नहीं चल रहा था, साइट बहुत ज्यादा बिजी थी,
कि मार्क्स नहीं पता चल रहे थे उस वक्त, पोजीशन तो मुझे शाम तक ही नहीं पता चली, वो तो मुझे बाद में पता चली। अच्छा मुनव्वर साहब, यकीनी तौर पर वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ होता है जब बच्चे कामयाब होते हैं, मुनीबा ने आपको बताया तो आपके क्या एक्सप्रेशन थे उस वक्त? मुझे बहुत खुशी हुई, मैं घर से बाहर था। हाँ, फोन आया आपको? मुझे मुनीबा ने फोन किया कि पापा इतने नंबर आए मेरे। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ठीक। और मैं फिर फौरन से आप घर पहुंचे? शुक्र गुजार हूँ अल्लाह पाक का भी। तो मैं तकरीबन फौरन से घर आया, मिठाई खिलाई सबको, मुंह मीठा कराया सबको। सही। फैज हमें इब्राहिम ये बताइए, आपके मालूम था कि इंटर में आपकी पार्ट टू में सेकंड पोजीशन आने वाली है, पार्ट वन में क्या रिजल्ट था? काफी हद तक प्रिज्यूम कर रहे थे कि होप सो इतना आ जाए, लेकिन यू नेवर नो कि प्रैक्टिकल में कुछ आगे पीछे, कुछ जिस तरह की नई पॉलिसीज आ रही हैं, कुछ एट अ टाइम एट द राइट स्पॉट पे कुछ हो जाए। पार्ट वन में क्या रिजल्ट था? 487 मार्क्स थे मेरे और सेकंड पोजीशन थी इसने ओवरऑल प्री मेडिकल ग्रुप के अंदर। ठीक। इस बार जो पॉलिसी चली इम्तिहानात में दिए, मौज लग गई, मजा आया वैसे? ऐसे बहुत ही वो कि जो पहली हाँ। वाली मेहनत थी उसका रिजल्ट दूसरे साल में भी आपको बिल्कुल ऐसी हुआ। और उसके अलावा वो काफी जो आपको पता है मई जून में मुख्तलिफ पॉलिसी, हर दफा नया ऐलान नया, तो बिल्कुल एक बंदा ना हो जाता है कि अच्छा अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, उस टेंशन में उस सारे में, फिर दरमियान में रमजान, उसके बाद फिर अलग ने यू नो एंटी टेस्ट एंड अलग चीजें शुरू हो जाती हैं, तो उस दौरान बंदा ना सोच रहा था कि अच्छा इस तरह अभी ये अज्यूम कर रहा है, अच्छा ये रिजल्ट आएगा, ये कह रहे हैं इतना आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल्स का ये होगा सीन, तो बस वो फिर भी बंदा दुआ एंड तक जारी रखता है कि बिल्कुल। डॉक्टर जुनैरा साहिबा हमें ये बताइए कि बच्चों को शुरू से यही था कि पढ़ना है, ग्रेड्स लाने हैं, पोजीशंस लानी है, या फिर बच्चों की अपनी मर्जी थी? देखिए बच्चों को मैंने वैसे मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने बीएएस तो है डीएमसीएच भी किया हुआ, उसमें मैंने बच्चों की जो साइकोलॉजी पढ़ी उसमें ये है कि बच्चों को मैंने कभी फोर्स नहीं किया, लेकिन उनको कभी छोड़ा भी नहीं विदाउट मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि मैंने हमेशा इनको दीन के, इस्लाम के नाम उसी के लाइन पे रखा। ये माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी है, और इससे कि बड़ी बहनें मेरी जो बेटियां हैं वो भी डॉक्टर बन रही हैं माशाल्लाह। तो ये चीज़ मैंने जहन में रखी हुई थी कि जिस चीज़ मैंने बचपन से मैंने खुद भी यानी नमाज़ पढ़नी और दीन के सारे जो उसके अरकान को अमल करना और साथ साथ पढ़ते रहना, बड़ों का अदब करते रहना, और सबसे बड़ी बात उससे भी बड़ी आजजी, हर एक के साथ आजजी और हर एक की इज्जत करें। बिल्कुल ऐसा ही है मुनीबा, हमें ये बताइए कि रिजल्ट तो आ गया, उसके बाद घर में जो है वो अम्मी को बताया, बहन भाई हैं और सबको बताया, फिर क्या माहौल था, किस तरह से आप जो है वो एक जोश होता है ना दिल में कि भाई मेरी पोजीशन आई है इंटरव्यू? जब मुझे पता चला कि मेरी थर्ड पोजीशन आई है, वो भी मेरे पापा ने मुझे बताया कि आपकी थर्ड पोजीशन है, फिर मैंने अपने टीचर्स को बताया, टीचर्स को फोन मैसेज करके बताया। उस वक्त मेरे बहन भाई एकेडमी गए हुए थे, उन्हें नहीं पता चला उस वक्त। अच्छा। उस वक्त घर में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल था, मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे। आप बड़े हो या छोटे? सबसे बड़े हैं। आप सबसे बड़े हो, तो जो अब बाकी छोटे बहन भाई हैं उनको अम्मी अब्बा कहते हैं कि मुनीबा को देखो, मुनीबा ने पोजीशन ली है, अब तुम लोगों ने भी पोजीशन ली? जी जी, यही होता है, बल्कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही कहते हैं कि देखिए आप अपनी बड़ी सिस्टर को देखिए, माशाल्लाह उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया, अब आपने भी इसी की तरह परफॉर्म करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में बहुत ज्यादा खुशी थी उस वक्त, मेरे चाचू मेरे ताबू बहुत ज्यादा खुश थे और उन सब ने मुझे बहुत ज्यादा दुआएं दी, बेशक कि अल्लाह ताला का खास फजल करम के अल्लाह ताला ने मुझे पोजीशन मालूम था कि पार्ट वन में आपकी थर्ड पोजीशन थी। यस। अच्छा, तो पार्ट टू में आपको लग रहा था कि अब भी मेरी यही पोजीशन आनी है कि ना हमने पढ़ा, कोरोना ने पढ़ाई से भी जान छुड़ा दी? और नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल तो पढ़ा ही था हमने, मेहनत भी की थी अल्लाह ताला के फजल करम से, लेकिन एंड पर पेपर्स नहीं हुए, दैट्स आवर लक। हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा मजा आया वैसे कि पेपर नहीं हुए, और 50-50 था, मजा भी आ रहा था, मतलब दुख भी हो रहा था कि पेपर्स होते तो ज्यादा मजा आता। रिजल्ट का चार्म तभी होता है जब हम लोग पेपर्स दें और हमें कुछ भी ना पता हो कि हमारे इतने मार्क्स आने हैं, और हमें ये भी ना पता हो कि पोजीशन भी आनी है। इस दफा थोड़ा बहुत था भी, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी थर्ड पोजीशन थी, तो इस दफा भी था कि शायद आ जाए, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल थोड़ा दिल में होता है कि डाउट भी होता है इस वजह से। अच्छा मुनव्वर साहब हमें ये बताइए कि बच्चों को, मुनीबा ही आपकी बड़ी बेटी हैं, तो इनको आपने शुरू से यही कहा घर में कि पोजीशन आनी चाहिए, हर वक्त पढ़ो, या फिर मुनीबा की अपनी मर्जी थी? नहीं, मैं उनके पीछे लगा रहता था। अच्छा। कि आपने पढ़ना, सिर्फ पढ़ना ही है। हाँ। और कोई काम नहीं करना। सही। तो इसके साथ साथ जो घर में बाकी लोग हैं, आपकी जो मुनीबा की वालिदा हैं, उनकी जानिब से भी बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा होगा? हाँ जी, मुनीबा की वालिदा ने बहुत खुशी हुई है।
कि वो मुनीबा को कोई काम का नहीं कहती थी अच्छा। सिवाय पढ़ाई के। मुनीबा अब मजीद लाडली हो गई है मुझे लगता है घर की। जी जी ऐसे ही हो। पहले नहीं कराते अब मजीद प्रोटोकॉल बढ़ गया है। जी जी प्रोटोकॉल बढ़ गया। अच्छा इब्राहिम हमें ये बताइए आपका कुछ प्रोटोकॉल मजीद बढ़ा है? जैसे आप मिड में है बड़े मैं सबसे लास्ट में हूं। छोटे हैं सबसे छोटा। अच्छा तो बड़े बहन भाइयों की बड़ी एल्डर सिस्टर से मैं थोड़ा सा स्लगिश हूँ उनसे जरा मैं वो ज्यादा पंक्चुअल हैं ज्यादा वो केयरिंग है लेकिन मैं उनसे जरा इतना मेटिकुलस नहीं मैं जरा उनसे ना एक स्टेप पीछे रहता हूँ इन कामों में जरा केयरलेस इतना पंक्चुअलिटी नहीं तो मुझे इन कामों में पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि उनको लुक अप टू करो और तुम अपनी सिर्फ ना जहानत और उसके बल बोते पे ना आगे एंड टाइम पे निकल आते हो तुम उनकी इतना मेहनत यानी वही वाले बच्चे जो कम पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। इब्राहिम आपकी जहानत होती है लेकिन उसके साथ साथ आपके तालीमी इदारे का पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से आपका ताल्लुक है उसका कितना किरदार होता है साथ-साथ का कितना किरदार होता है कामयाबी में? मेरे ऐसे बच्चे के लिए अगर मैं देखूं तो इवनिंग कोचिंग इतना से इंपॉर्टेंट थी लेकिन पंजाब कॉलेज की सबसे अहम यही मुझे राय मिली थी कि उस कॉलेज के अंदर ना वन इन ऑल आपको मिलेगा तो उसके अंदर जो उनका टेस्ट सिस्टम था उनका जो मॉड्यूल था उनका वो इतना अच्छा था कि उसके मुताबिक अगर रोज़ का रोज़ या पंक्चुअलिटी से उतना काम नहीं भी कर रहे लेकिन जो टेस्ट हैं उसके मुताबिक अगर बंदा अपना पढ़ लेता है और टीचर उतना इंस्पायर मोटिवेट करते हैं उनका मॉड्यूल इतना कि वो एट द एंड बैलेंस हो गया बहुत यानी जो भी आप पढ़ रहे हो साथ साथ टेस्ट हो रहे हैं कि आपको पता चलता जाए कि आपको आता भी है या नहीं। जी 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 और टीचर्स ने जितना साथ साथ डिस्कशन करनी है गाइडेंस देनी है मोटिवेट करना है यहाँ पे तुम ले कर रहे हो यहाँ पे तुम जाके जा रहे हो इतना तो वो सबका मिली जुली कंजुगेट होके ना फिर एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सक्सेस। डॉक्टर जुनैरा साहबा बच्चों को या फिर इब्राहिम को आपने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में भेजा ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी एक वो होता है किसी भी इदारे को चूज करना हो तो उनकी भी मर्जी होती है क्यों भेजा आपने? देखिए पंजाब कॉलेज के साथ हमारी इतनी एसोसिएशन है कि मेरी बड़ी बेटियां भी इधर से उससे पहले मेरे भतीजे भांजे और डॉक्टर साहब को यही था कि घर के पास है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई जो एकेडमी और उसकी कोई टेंशन नहीं है यकीन करें सुपर मॉडल यानी आप कॉलेज पढ़ के आते हैं उसके बाद आपको टेंशन नहीं है कि आगे ट्यूटर लगवाना है या अच्छा सिस्टम है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड आई थिंक दैट पंजाब कॉलेज हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम के नॉट ओनली जस्ट फ्रॉम लाहौर एंड ऑल्सो माई वन ऑफ माई एल्डर डॉटर मेरी जो बेटी है वो केई में है एंड उसकी जो 80% क्लास है वो पंजाब कॉलेजेस की है मुख्तलिफ शहरों से तो इस कॉलेज को मैं ये क्रेडिट देती हूँ कि इसमें कोई एकेडमी सिस्टम नहीं है बच्चे ने जाना है और बच्चे ने आना है कोई थकावट नहीं है जो बाकी दूसरे जो आज ट्रेडिशनल कॉलेजेस और इस तरह है बिलीव मी इट्स नॉट लाइक द ये ईमानदारी से मैं आपको कह रही हूँ कि बच्चे को मैंने डाला मुझे टेंशन मेंटली भी आप रिलैक्स रहते हो और आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो आपके कॉन्सेप्ट्स में आप यकीन करें ये एकेडमी सिस्टम्स ने हमारे बच्चों को सुस्त करके रख दिया है और बल्कि थका दिया है एज ए डॉक्टर मैं कहूंगी लेथार्जिक हो गए हैं अनिमिक हो गए हैं और बच्चों की आप डाइट अच्छी रखें एज ए मदर मैं हमेशा आपको कहूंगी अगर आप मुझसे पूछें और साथ साथ मॉनिटरिंग और तीसरी चीज ये है कि पंजाब कॉलेज हमारे लिए तो बहुत अच्छे रहे। क्या बात है जी। मुनीबा हमें ये बताइए आपने पंजाब कॉलेज का इंतखाब कैसे किया? फर्स्टली तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि पंजाब कॉलेज जाऊं या ना जाऊं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा नहीं ये आपके लिए बेस्ट है फिर मैंने पंजाब कॉलेज का इंतखाब किया। मैं वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की फैकल्टी बहुत 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 अच्छी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं या आपको कुछ समझ नहीं आती लेक्चर्स में या वैसे ही आपको कोई परेशानी होती है तो जब आप असातिज़ा के साथ जाके बात करते हो तो वो एक बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है कि आपको मोटिवेशन मिलती है। वो टीचर्स बहुत ही ज़्यादा मतलब वो अपना बहुत सा टाइम हम पर सर्व कर रहे होते हैं वो अपना कीमती वक्त जो दूसरी क्लासेस पे देना होता है या उनका खुद का ब्रेक का वक्त होता है वो खुद वो हमें दे रहे होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मुझे उनकी अच्छी बात लगी कि वो अपना यानी आप किसी भी वक्त जाके उस्ताद से मिल सकते हो। जी हाँ। उनका ये बहुत ही अच्छा था। मैं अक्सर ब्रेक के वक्त जाया करती थी या मैं ज्यादातर छुट्टी के वक्त जाया करती थी वो टीचर साहब से बात वो भी इंसान है वो रिलैक्सेशन चाह रहे होते हैं लेकिन वो अपना रिलैक्सेशन टाइम भी हमें दे रहे होते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात थी उनकी। वो फैकल्टी बहुत ही ज्यादा इनकरेज करने वाली फैकल्टी है बहुत ही डेडिकेटेड टीचर्स मुझे अपने टीचर्स से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन। अच्छा मुझे ये बताइए कि तालीमी इदारे का कितना किरदार होता है इंसान की कामयाबी में? तालीमी इदारे का किरदार सबसे ज्यादा बल्कि तालीमी किरदारे का ही किरदार होता है। वो अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर जा रहा होता है। वो चाहता है कि हर बच्चा इसी तरह आगे निकले। वो तो फिर अल्लाह ताला का खास फजल करम अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत देनी हो उसको दे देते हैं लेकिन अल्लाह ताला ने बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको इज्जत देनी होती है। टीचर्स ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया वो अपने स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा सर्व कर रहे हैं। ठीक मुनव्वर साहब हमें ये बताइए कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का आपने इंतखाब किया आपसे मदद ली मुनीबा ने कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या मुझे इस कॉलेज के साथ जुड़ना है तो फिर आपने हेल्प की किस तरह से हुआ ये फैसला? मुनीबा तो उसके सुपीरियर के बारे में कह रही थी
कि कुछ और ऑप्शंस भी इसका मतलब हाँ, देखे जा रहे थे। हाँ थी, लेकिन मैंने कुछ दोस्तों से मशवरा किया, दोस्तों ने फिर कि पंजाब कॉलेज बैच पे आपने वहीं जाना, पंजाब कॉलेज में जाना आपने। पंजाब कॉलेज बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। मुनीबा, फील्ड कौन सी लेनी है आपने और बनना क्या चाहते हो आप फ्यूचर में? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आजकल एमडीकैट की तैयारी कर रही हूँ। अल्लाह ताला से खास दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी इसमें भी मदद फरमाए, इस तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे अब इज्जत दी है। इंशाल्लाह ताला एमबीबीएस करके स्पेशलाइजेशन न्यूरो सर्जन बनना चाह रही हूँ। क्या बात है जी, बड़े बड़े अजायम है और इंशाल्लाह जरूर पूरे होंगे। इब्राहिम क्या बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह ये पहले तो अपनी फैमिली का टैग जो रॉयल फैमिली का होता है कि सारे डॉक्टर्स की लाइन, वो उनसे पहले वो स्टेटस अटेन का मेन प्राइमरी गोल है कि इंशाल्लाह सब डॉक्टर उस लाइन में आ जाओ। प्रेशर कितना है कि डॉक्टर ही बनना है और जो एक स्टेटस चला आ रहा है उसी को मेंटेन करना है? लोगों की तरफ से इतना प्रेशर, लेकिन ये खुद फील करता है कि एक फैमिली का इतना ऑनर्ड है कि सारे डॉक्टर्स और इवन कि ग्रैंड पेरेंट्स है ना, फिजिशियंस डॉक्टर इस लाइन में आना है। तो क्या कि पहले वो बंदा बेसिक अटेंड कर ले, रूडिमेंट्री जो आपके वो मेन एक डिग्री है कि वो एक आनी चाहिए कि आपको एक ऐसा ह्यूमन, आपको एक बेसिक मेडिकल का नॉलेज होना चाहिए आपको। उसके बाद हज़ारों फील्ड्स हैं उस वक्त पे, ब्यूरोक्रेसी है, आर्मी है, जितनी भी है वो सब आपके लिए बारी बारी खुल जाते हैं। लेकिन पहले आपके पास जो बेसिक कैप्टन ऑफ द शिप जो डिग्री होती है एमबीबीएस में, जिसको समझता हूँ विद इन दिस लैंडस्केप, तो वो एक हो जाए तो एक बहुत अच्छा है। आपका स्पेशलाइजेशन क्या करने की सोच रहे हैं? स्पेशलाइजेशन इंशाल्लाह कार्डियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि उसके पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड डॉक्टर्स हैं। उसके लिए आपको अक्सर नेबरिंग कंट्रीज में जाकर इलाज करवाना पड़ता है। वो एक बहुत अच्छी फील्ड है, उसका है कि इंशाल्लाह उसमें स्पेशलाइजेशन करने का। ठीक, जुनैदा साहब हमें ये बताइए कि गाइड करनी है आप भी बच्चों को साथ साथ कि आपका ये इंटरेस्ट है, आपको इस फील्ड में जाना है? मेरा ख्याल है कि जैसे भी आपने वो बात की थी कि कॉलेज की, अभी बड़ी अच्छी मुनीबा से बात करनी थी कि देखें सॉइल अच्छी हो तो बीज भी बहुत अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही है, तो यही बात है कि बच्चों की, जैसे मैंने कहा एज ए मदर, ये मैं अपनी नहीं, सारी माएँ अपने बच्चों को जो बताती हैं, जो घर के माहौल से ही आस्ता आस्ता ये खूबसूरत आगे से जनरेशन्स के शाखें फूटती हैं। तो मैंने यही आपसे अर्ज किया है कि बच्चों को बताते हैं, करते हैं, बच्चे खुद देखते हैं और जो जहीन बच्चे होते हैं खुद ब खुद असेस करते हैं। अल्लाह ने उनमें बहुत ज्यादा क्वालिटीज रखी होती हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा है। फर्ज किया माँ गायनोकोलॉजिस्ट है, पापा अगर कम्युनिटी मेडिसिन में है, ये कैन बी गुड इंशाल्लाह कार्डियोलॉजी आल्सो, तो ये अल्लाह ताला आसानियां करता है आगे से। ठीक, यानी पेरेंट्स मदद भी करेंगे लेकिन बच्चे जो फील्ड चुनना चाहें उनको बिल्कुल इजाजत होगी, वो वहां पर जा सकते हैं। हमें ये बताइए मुनीबा कि आपने जब इतनी मेहनत की होगी फिर आपको सिला मिला, तो कॉम्प्रोमाइज क्या क्या करना पड़ता है? हर वक्त किताब पढ़ते हो, हर वक्त पढ़ते रहते हो अपना सिलेबस कोर्स, या फिर बाकी जिंदगी भी इंजॉय कर रहे हो? नहीं, मेरी जिंदगी तकरीबन सिर्फ किताबों के अराउंड। ओह अच्छा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ूँ। उन्होंने आज तक मुझ पर कोई प्रेशराइज नहीं किया कि आपने मेरे रिलेटिव से मिलने जाना है, हालांकि कि मुझे खुद भी शौक नहीं है इधर उधर जाने का, घूमने का, फिरने का या कुछ और एक्टिविटी करने का। हालांकि हॉबीज मेरी रीडिंग है, लेकिन रीडिंग वो भी किताबें पढ़ने में ही आ जाती है। अच्छा, कॉलेज लाइफ कैसी है? इंजॉय किया कॉलेज लाइफ को, पढ़ा भी और साथ साथ इंजॉय भी? जी जी, दोनों चीज़ें थी कॉलेज लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलेज लाइफ में जाहिर सी बात है 3B कैंपस था, उसमें ज़्यादातर पढ़ा ही जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एंजॉय भी करवाया, जहाँ जहाँ पर उनके इवेंट्स आए हैं वो अच्छे थे, एंजॉय भी किया और पढ़ा भी। अच्छा, पंजाब कॉलेज की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि तलबा तालिबात को बहुत सारे फेस्टिवल्स भी मिलते हैं, आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी होती हैं, आपके म्यूजिक कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है, लाइफ भी इंजॉय कराई जाती है वहाँ पे? उधर होते हैं इवेंट्स, कुछ बहुत ही इवेंट्स होते हैं, मतलब मूवी डे पे चलेगा, इस तरह के भी बहुत से इवेंट्स होते हैं जिससे बंदा फ्रेश हो जाता है। हम लोग लगातार पढ़ रहे होते हैं तीन महीने के बाद वो हमें एक इवेंट देते हैं जिसकी वजह से हम फ्रेश हो जाते हैं, देन स्टडी की तरफ बैक करें तो बहुत अच्छा पढ़ा जा रहा होता है, इनफैक्ट माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है ऐसी चीज़ों से। ठीक, इब्राहिम हमें ये बताइए कि कौन से ऐसे पंजाब कॉलेज के इवेंट्स थे जिसमें आपको जाने का बहुत क्रेज़ होता था? सबसे पहले एक तो जो उनका ट्रिप होता था ईयरली, उसमें जाने का कि सब फ्रेंड्स और विद अलोंग विद देयर टीचर्स। अच्छा, जरूरी होते हैं वैसे तालीमी इदारों की तरह, जैसे पंजाब कॉलेज दे रहा है कि बच्चों को मुख्तलिफ इवेंट्स भी हो रहे हैं, म्यूजिक पे एंजॉय भी कराया जा रहा है, सैर भी कराई जा रही है, जरूरी है वैसे ये? मेरे ख्याल से तो वाकई, क्योंकि आप एक तो अक्सर स्टडीज पे रहो तो ऐसा माइंड बॉगल हो जाता है, फिर आप इधर उधर आपका वो फ्रेमवर्क माइंड का ना इधर इतना फैल नहीं सकता, तो लेकिन अब आप जाते हो उन सब टीचर्स के साथ, उनके एक अलग लाइफ मोनोटोनस रूटीन के अलावा कि उनका जो विजडम, उन्होंने क्रक सारा उनसे सारा क्रक सब लेते हो कि अच्छा अब इस तरह शहर पे जा रहे हैं तो उनसे मुख्तलिफ बातें जिंदगी के रिलेटेड वगैरह, उनकी मोटिवेशन, उनकी लाइफ रिस्पेक्ट जो होता है आप उससे देखते हो। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स का जब आप एम्बियंस और जब आप इन्जॉय करते हो आप ट्रिप पर जाते हो, इसके अलावा कल्चरल फेस्टिवल्स उनके होते थे,
तो हम लोगों को बड़ा क्रेज होता कि अच्छा इस तरह जाना है वहाँ पे हम सारे मिलके, तो अलॉन्ग कोई स्पेसिफिक गेटअप होता है आपको, उसको आपने अपनाना होता है। बिल्कुल ऐसी है, और जब आपके टीचर्स भी आपके साथ उधर मौजूद हों और सब देख रहे थे मॉनिटर कर रहे थे, तो आपको वो एक स्पेशल फीलिंग आ रही होती है। टीचर भी मेरा ख्याल उस वक्त दोस्त बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है, उनके साथ एक रिश्ता अलग रह जाता है, और उनके जो मेन वो असल में 30-40 साल उन्होंने लाइफ में गुजारे होते हैं और वो अपनी अपनी फील्ड में तो स्पेशलाइज है, तो उनसे जब आप क्रक्स लेते हो, उनके विजडम हम लेते हो, क्योंकि नॉलेज हमारे जितना भी आगे विजडम उनके हम ज्यादा, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑलवेज बीट्स द एक्सपीरियंस। बिल्कुल ऐसा ही है, तो आप उनसे मुख्तलिफ लाइफ एस्पेक्ट्स के रिलेटेड लेते हो। जो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट टीचर भी होते हैं वो भी उस वक्त बिल्कुल आपके जॉली मूड में होते हैं, तो आप उनका एक अलग एक्सपेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्रूमिंग के लिए बेहतरीन, मैं नहीं समझता कोई बड़ा इदारा आपको इस तरह की जरूरत, लेकिन जो टीचर्स होते हैं ना उनकी एक पर्सनैलिटी और वो उनके साथ जो बातें और इस तरह के चंद इस तरह के रिलेटेड हेल्दी इवेंट्स होते हैं वो आपके ग्रूमिंग के लिए बहुत इनफ होते हैं। और फिर साथ बुक्स तो हैं उनके। डॉक्टर जुनैरा साहबा हमें ये बताइए कि जैसा कि मैं इनसे जिक्र कर रही थी कि पंजाब कॉलेज में बड़ी फेस्टिविटी होती है, बच्चों को बड़ा एक्टिविटीज अगर ना हो तो मेरा ख्याल है कि वो इदारा नहीं है। देखिए एक अगर सिर्फ हम एक बच्चे को बिठा दें ये किताबें पढ़ पढ़, हमने भी सारी जिंदगी किताबें भी पढ़ी हैं, शादियाँ भी अटेंड की हैं, फंक्शंस भी देखे हैं, मिलाद भी अटेंड किए हैं अम्मी अपनी, जब हम व्हेन वी वर इन द चाइल्डहुड, तो ये सारी चीज़ें हो कि हमारी पूरी एक सोशल एक पर्सनैलिटी बनती है ना। तो अगर हम ये करें, मैंने अपने बच्चों को हर चीज़ मैं कहती हूँ बेटा हर फन मौला हो जाओ, ठीक है, और ये कहते हैं पिकनिक ट्रिप्स पे इनको खुद फोर्स कर करके भिजवाती हूँ, ये नहीं, ये मेरी बेटियों को भी उनके उसके बाद दे नो द आर्ट ऑफ सम किचन, इनको ये भी पता होना चाहिए ड्रेसअप कैसे करना है, कहीं पिकनिक है, कहीं सोशलिज्म, खुशी गमी शादी मौत, यानी आपको किताबें तो पढ़ाई जा रही है लेकिन उसके साथ साथ जिंदगी गुजारने का ढंग भी सिखाया जा रहा है। आपको सिर्फ एक वो आपकी एक तरफ से आपको नॉलेज दे रही होती है लेकिन किस तरीके से करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो तरबियत का पार्ट। अच्छा जुनैरा साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आपके जो है वो नस्ल दर नस्ल बच्चे जो है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ अफिलियेटेड है और पढ़ रहे हैं, देखने वाले पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? देखिए अगर आप कॉलेज के हिसाब से कहें तो मेरा ख्याल है इस वक्त पंजाब कॉलेज से ज्यादा अच्छा कोई नहीं है। मेरी बड़ी बेटी का जब इस तरह ही मामला हुआ, छोटी सी बात है, तो काफी मुझ पे प्रेशर था रिश्तेदारों का कि इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, उसकी भी फर्स्ट टेन पोजीशन में उसकी मैट्रिक में थी, तो नहीं आप डॉक्टर साहब इसको कहते कनेड में डालें इसको ये, यानी जो उस वक्त रवायत थी, तो मुझे बस बड़ा था, तो मेरे हस्बैंड को नहीं था, नहीं घर के पास हो और वो जो अच्छा हो। मैंने अल्लाह का नाम लेके मैंने वो भी छोड़ दिया क्योंकि मैंने नहीं सऊदी अरब से हम लोग पाकिस्तान सेटल हुए थे, तो मैंने कहा ठीक है घर के पास इस बेटर, तो अल्लाह का शुक्र है वो इतना अच्छा रहा कि मुझे बेटी को भेज के मुझे टेंशन नहीं थी एकेडमियों की कि ये वो बच्ची ने आना अपना करना रिवाइज करना, टेस्ट सेशंस इनके बहुत अच्छे हैं, शेड्यूल्स बहुत अच्छा है, फिर खुद ब खुद बच्चों ने अपने ट्रिप्स पे जाना है, इन्होंने खुशी है, उनके फेस्टिवल्स हैं, ये वो एक पूरा पैकेज है, इट इज अ फुल पैकेज। मुनीबा आप क्या पैगाम दोगे, बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूंगी कि टीचर्स की रिस्पेक्ट और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा अहम होती है हमारी जिंदगी के, जो जिंदगी में सक्सेस हासिल करनी है वो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स और टीचर्स। मुनीबा बड़ी खूबसूरत आपने बात की है और इसका लब्बे लुबाब यही है कि बाद अब बानसी। बहुत शुक्रिया मुनीबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुनव्वर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इब्राहिम आपका बहुत शुक्रिया और जुनैरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से मैं इन सबको मुबारकबाद देती हूँ और खासतौर पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जितनी भी फैकल्टी है, उस्ताद है, इंतजामिया है, वो भी मुबारकबाद के हकदार हैं कि ये उनके बच्चे हैं जो आज जो है वो तालीम के मैदान में इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नासरी लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है और पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने में मसरूफ है। मुहिम के पहले रोज पंजाब भर में 60,82,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं, और अगर बात की जाए हमारे अपने लाहौर शहर की तो लाहौर में 5,26,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। लाहौर में 43,000 से जायद मेहमान बच्चों को भी हिफाजती कतरे पिलाए गए हैं, ये गवर्नमेंट रिपोर्ट से जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंसदाद पोलियो मुहिम 24 सितंबर तक जारी रहेगी और मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ से जायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाना इस मुहिम का हदफ है। फरवरी 2020 के बाद ये पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम होगी और कोरोना वबा की वजह से चंद माह के लिए
पोलियो मुहिमात को मुलतवी भी कर दिया गया था। नाज़रीन, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया में दो ममालिक ऐसे हैं जहां पर पोलियो केसेस अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर रवां साल की बात करें तो पोलियो के 3 नए केसेस सामने आने के बाद मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 72 हो गई है, जो गुज़िश्ता बरस 53 थी। 2018 में पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 12 थी, जबकि 2017 की बात करें तो ये तादाद सिर्फ 18 थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर गुजरते साल के साथ पोलियो केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है। एक साल बढ़ जाते हैं केसेस, अगले साल कम हो जाते हैं, अगले साल फिर बढ़ जाते हैं, यानी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अफगानिस्तान भी पोलियो के खिलाफ जंग में मसरूफ अमल है, और इस वक्त अफगानिस्तान में भी पोलियो के 46 केसेस मौजूद हैं, जबकि 21 सितंबर से शुरू होने वाली कौमी इंसताद पोलियो मुहिम में 2,70,000 से जायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं, जिनको कोरोना वबा से बचने के लिए मौसर तरबियत दी गई है, जैसे कि हाथ धोना है, मास्क का इस्तेमाल है और मुनासिब फासले को यकीनी बनाना शामिल है। ये तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे, और इस हवाले से प्रोग्राम ने मुहिम के दौरान कोरोना वबा के दौरान कवायद जवाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाया है। लाहौर में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए वर्कर्स खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और नाज़रीन, पोलियो एक खतरनाक मूजी वायरस है जो 1 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को मुतासर करता है, और इस बीमारी से बच्चे उम्र भर के लिए माजूर भी हो सकते हैं, हत्ता कि बच्चों की मौत भी वाकई हो जाती है। ये वायरस है कितना खतरनाक, अभी तक जो है वो पाकिस्तान पोलियो फ्री क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि 1994 से आज तक ये पोलियो मुहिम जारी है लेकिन अभी तक मसाइल का सामना है। खला कहाँ पर है, क्या करने की जरूरत है जो अभी तक नहीं किया जा रहा है, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पोलियो मुहिम पे हमने बात करनी है कि एक बार फिर से जारी है, कितने महीने का गैप होता है या फिर ज़्यादा कतरे बच्चों को पिला दें तो किसी तरह का कोई मसला नहीं है? बिल्कुल सिदरा, मसला तो है। देखें, ये जो आप कतरे पिलाते हैं, ये जो मुहिम होती है ना जी, इसे हम कहते हैं SIA, ठीक, सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज। आप सप्लीमेंट उस चीज को करते हैं कि अगर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव हो, रूटीन इम्यूनाइजेशन आपने देखे, अभी आप हिस्ट्री बता रहे थे इसकी, 1964 के अंदर इसकी वैक्सीन आई जी, और दुनिया ने सोचा कि इसको खत्म करना है जी, और उसके बाद हमने 88 में ये दुनिया के अंदर प्रोग्राम शुरू हो गया EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। 94 में अमेरिका फ्री हो गया इससे, क्योंकि वैक्सीन की मिल गई, हर चीज मिल गई, और 95 के अंदर दुनिया को उन्होंने बताना शुरू किया, हमारे केसेस दोबारा आने शुरू हो गए। हमने इतनी कंपेन्स की है, ये कामयाब क्यों नहीं होती? ये कामयाब इसलिए नहीं होती, अभी आपने कहा कि इनको मौसर तरबियत दी गई है, ये मौसर तरबियत शायद नहीं है, सोचना पड़ेगा ना क्यों होता है। होता ये है कि एक वैक्सीन, या वैक्सीन डिफेक्टिव होगी, या जहां वर्कर है वो नेग्लिजेंट होगा, या आपका सिस्टम डिफेक्टिव होगा, तीन ही चीजें, और तो कोई चीज नहीं है। अब इसके तरबियत का, मैं इसको पढ़ रहा था, मैं पब्लिक हेल्थ मेरा सब्जेक्ट है, ये भी आपने दिखाया था इसके अंदर, एक वो जो पैक था वो खतून ने नीचे रखा हुआ था, अभी आपने इसको खोल लेकर दिखाया था। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस है कि आपने इसको कोल्ड चेन होती है, इसको मेंटेन करना होता है, उसको मेंटेन करने के लिए आपने ये जहां से ये वैक्सीन तैयार हुई है वहां से लेकर लगने तक इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। अच्छा, ठीक, एक टेम्परेचर जो फैक्ट्री से बनी है, जहां से बनी है वहां से एंड कंज्यूमर तक, बच्चे तक, जो कतरा पिलाना है वो कतरा उस वक्त तक इफेक्टिव रहेगा। यहां क्या होता है कि आपके यहां ये जो वर्कर जाते हैं लेके, वर्कर लेके गए, इंस्ट्रक्शंस है कि आपने जो पैक है आपके पास, जो आइस लाइनर है जिसके अंदर पूरी आइस से पैक किया हुआ, यू हैव टू ओपन इट, किसी के घर के अंदर जाके खोलना है, घर के अंदर जाके खोलना है कि वहां पर धूप नहीं होगी, अगर ये जगह अवेलेबल ना हो तो दरख्त के नीचे बैठ के खोलना है, छांव होनी चाहिए, यहां किसी को पता ही कुछ नहीं। मैंने खुद देखा है कि वो वैक्सीन खुली, वैक्सीन इफेक्टिव है नहीं, सड़क के ऊपर रखा हुआ है और काम कर रहे हैं। ठीक, बिलाल हमें ये बताइए कि ये 2021
हमें टारगेट मिला हुआ है कि हमने पोलियो को जीरो करना है, लग रहा है हो जाएगा, इतनी कोशिशें हो रही हैं और केसेस फ्लक्चुएट करते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि 2017 में अगर 20 थे तो 18 में चलो 18 रह जाते, 19 में कुछ और कम हो जाते, यानी डाउन आ रहे होते ना हम ग्राफ में, हम तो कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं। बिल्कुल, आप देखें 2020 का एंड है और सूरत हाल आपके एक सामने साल है हमारे पास, और नहीं होगा तो क्या होगा, बजाहिर तो पॉसिबल नहीं लग रहा। उसकी रीजन ये है कि 3 दिन पहले की एक जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक एनवायरमेंट जो सैंपल थे 65% जो है वो पॉजिटिव आए हैं, तो अगर ये इस इतनी बड़ी तादाद में पॉजिटिव आ रहे हैं तो फिर बजाहिर तो ये नहीं लग रहे कि हम इस पे काबू पाए। होगा क्या फिर? होगा फिर ये कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास ट्रैवल बैन तो हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, इस हवाले से हमें 2-3 कंट्रीज ने भी अलर्ट किया हुआ है कि जिस तरह सऊदी अरब ने हमें कहा था कि हज उमरा के हवाले से फिर आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी और तमाम को पोलियो ड्रॉप्स पीने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी है लेकिन फिर मजीद हमें एयरपोर्ट्स पे और इन आउट में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, उसी अहम चीज फिर आएगी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, इसके अलावा फिर हम जिन भी कंट्रीज में जाएंगे तो वो फिर अपनी रिस्ट्रिक्शन बनाएंगे हमारे हवाले से कि जी पाकिस्तान ही आ रहे हैं वहां पे पोलियो भी है। अब अभी हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस वैक्सीन आएगी और कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, अब आप ये देखें पोलियो की तो वैक्सीन भी है हर चीज है लेकिन इतने साल हो गए हैं, इतने साल हो गया तो हम वायरस को खत्म करने के लिए कमिटमेंट की जरूरत है, तो इसमें आप देख लें कि हमें हम किस स्टेज पे खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, तो मुझे बाहर तो नहीं लगता कि 2021 तक हमें सब। अब हमें ये बताइए कि हम कमिटमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम महकमे सेहत की बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लोग अपने तौर पे क्या कर सकते हैं? वैक्सीन तो वो बच्चों को पिलाएं लेकिन उसके अलावा भी कोई एहतियात है जो उनको करने की जरूरत है? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, यही चीज है कि पर्सनल लेवल पे ऊपर इंटरवेंशन हमें क्या जरूरत है। एक तो सीधा सीधा सूल है कि आपको क्लीन वाटर मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता क्लीन वाटर आप देख लें नहीं मिलता ना, तो उसकी अवेलेबिलिटी बंदा इंश्योर कर ले किसी तरीके से, ठीक उबाल के पीना शुरू कर ले थोड़ा सा, अपनी सेफ्टी करनी है ना उसने, बिल्कुल उसके अंदर हल्की सी इंटरवेंशन से वो काफी चीजों से बच सकता है, ठीक। दूसरी बात है सैनिटेशन ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपने घर साफ करना है, ओनरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक, गली की सड़क की और माहौल की ओनरशिप अगर हम इंडिविजुअल लेवल में नहीं लेंगे ये मुल्क नहीं ठीक होगा, ठीक। हमें ओनरशिप लेनी है एनवायरमेंट की, सोसाइटी की, सड़क की, उसके बाद पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन आप करेंगे आप खुद भी सेफ है, आप दूसरे के लिए भी टॉक्सिक नहीं है, ठीक। ये तो सिंपल इसकी ट्राइका है, तो यही रवैये ठीक करने हैं, तो बाकी तो स्टेट तो अपना जितना इनसफिशियंट तरीके से या सफिशियंट तरीके से रिसोर्सेज से, गरीब लोग हैं हम, गरीब स्टेट है, तो हम देखे हम ये खिरात की वैक्सीन लेते हैं लोगों से, बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, गावी, ग्लोबल अलायंस ऑन वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, वो इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें ये भी तो खतरा है कि ये जो इनकी जहालत और इनके मरीज हमारे लिए खतरा है। अभी आप एक रिस्ट्रिक्शन फेस कर रहे हो ट्रेवल की, ट्रेड की लगेगी, मुझे पता है बहुत बड़ा ताजर हो, बहुत बड़ा यहाँ पर टाइकून हो और एयरपोर्ट में उसका मुंह ऊपर करो और उसके वो कतरे डाले उसके अंदर, ये बदनामी है और लोगों के लोग इसकी लोग और स्टेट और हमारा सिस्टम इसको इस ग्रेविटी को फील नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। बिलाल हमें ये बताइए कि जैसा कि हम केसेस की बात करते हैं चंद साल पीछे जाएं और हम आज की बात करते हैं, तो जो अफरादी कुव्वत है, जो वर्कर्स हैं, उनकी तादाद कितनी बड़ी है, उनको बढ़ाने की कितनी जरूरत है? बिल्कुल सिदरा, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है मैन पावर के हवाले से, तो जिस तरह आपको पता है कि अहम जो चीज़ ये है कि अफरादी कुव्वत, मतलब जब हम डिजिटलाइज सिस्टम को नहीं करना तो फिर हम अफरादी कुव्वत इतनी दे कि वो मतलब एक उनको उतना टास्क दे जितना कि वो कर सके। अगर आज ये 100 घरों को बच्चों को कतरे पिला रहे हैं तो उनमें से 20 को वो मिस कर रहे हैं, तो उनको फिर टारगेट 50 का दे ताकि इजीली पूरा कर सके। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, हमारे देखने वालों को अवेयर करने के हवाले से कि हम गवर्नमेंट को तो इल्जाम देते हैं लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि अपने बच्चों को आसपास के माहौल को साफ रखें, बहुत सारी बीमारियों से आप पोलियो समेत बच सकते हैं। मुझे आपने देनी है, कल सुबह फिर से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह की निगरानी।